हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीमा शर्मा। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम जावास्क्रिप्ट के पार्ट 22। वीडियो में ये एक प्रैक्टिस वीडियो है जिसमें हम फॉर लूप यूज करके टेबल बनाएंगे। टेबल मीन्स जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे टेबल लिखेंगे फॉर लूप यूज करके। तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा और आपका भी, ठीक है? तो ट्राई करते हैं हम लोग। और हम लोग क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट यूज करेंगे। जो हमने अभी तक बॉक्स पढ़ा था, अलर्ट कन्फर्मेशन बॉक्स, जिसमें से एक प्रॉम्प्ट बॉक्स भी था, तो वो यूज करके हम लोग ट्राई करते हैं टेबल लिखने के लिए। प्रॉम्प्ट वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैंने लिया लेट, एक नंबर ले लेती हूँ, ए इज इक्वल टू, प्रॉम्प्ट देते हैं हम लोग, एंटर योर नंबर, ठीक है? डबल कोट में लिखती हूँ, एंटर योर नंबर, मतलब जिसका भी आपको टेबल चाहिए वो नंबर एंटर कर लो, ठीक है? और यहाँ पे सेमी कोलन लगा लेते हैं। अब हम लोग टेबल लिखते हैं। टेबल कैसा होता है, टू, अगर टू का टेबल लिखेंगे तो टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर होता है, राइट? तो हमको इस फॉर्मेट में चाहिए। सीधे टेबल जो है 2 4 6 8 ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे फॉर्मेट में लिखा हुआ आना चाहिए पूरा। टू का जो भी आप टेबल हम प्रॉम्प्ट में दें, मतलब जो बॉक्स आ रहा है उसमें टाइप करें नंबर, उसका टेबल लिख के आपका ब्राउजर पे आ जाना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है? तो अब एक काम करते हैं, हमने एक नंबर, इसको हम लोग नम कर लेते हैं, नम, जिससे क्लियर होगा कि एक नंबर है, ठीक है? अब हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे। तो फॉर लूप तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फॉर लूप में सबसे पहला आता है आपका इनिशियलाइजेशन। तो हम लिखते हैं लेट आई इज इक्वल टू वन, आई कहाँ से स्टार्ट हो, वन, और आई चले कहाँ तक, कंडीशन लिखते हैं उसके बाद, ठीक है? तो आई इज लेस देन इक्वल टू 10, मैं चाहती हूँ आई 10 तक चले, 1 से लेके 10 तक चले। अब हमें आई को इंक्रीमेंट भी कराना है, ठीक है? इंक्रीमेंट भी हो गया, ये हो गया आपका फॉर लूप। अब हमें डिस्प्ले क्या कराना है इसके अंदर, हमको टेबल लिखना है। तो सबसे पहले तो हमको ब्राउजर में लिखना है, तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है? लिख दिया, ये ब्राउजर में दिखा देंगे हम इसको। अब डबल कोट्स कहाँ यूज करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, अब इसमें समझते हैं। देखिए, अब इसकी जगह ये टू जो हमारा आता है, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो टू हमारा कॉन्स्टेंट है। तो टू कौन सा है हमारा, जो हम नंबर प्रॉम्प्ट करेंगे, तो ये नम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? ये नम पेस्ट कर दिया मैंने। अब हमको कौन सा सिंबल चाहिए, ये चाहिए, एस्ट्रिक चाहिए, ठीक है? तो इसको पहले हम लोग प्लस से कॉन्केटिनेट करेंगे, प्लस, और डबल कोट्स में लिखेंगे वो एस्ट्रिक साइन। एस्ट्रिक भी मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, ये टू चाहिए। तो लेकिन जब ये टू क्या होगा आपका, 1 2 3 हो जाएगा, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो वो 1 2 3 आपका इंक्रीज कर रहा है। तो हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे आई होना चाहिए। तो आई को भी हम कॉन्केटिनेट करके आई लिख देंगे, हम यहाँ पे आई लिख दिया हमने। अब हमको चाहिए इक्वल टू, तो इक्वल टू तो हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, तो इसको प्लस लगा के डबल कोट में दे देंगे, इक्वल टू यहाँ पे डबल कोट में दे देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे एक और प्लस लगेगा कॉन्केटिनेट करने के लिए। अब हमको क्या चाहिए, आंसर चाहिए, जैसे 2 1 जा 2 तो 2, 2 2 जा 4 तो 4, 2 3 जा 6 तो 6। तो आंसर के लिए हमको ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? तो हम यहाँ पे लिखते हैं नम, और यहाँ पे लिखती हूँ इंटू आई, मतलब नंबर इंटू आई, ठीक है? अब हम लोग इसको रन करा के देखते हैं, लेकिन इसमें हमको ब्रेक लाइन भी चाहिए। पहले हम इसको रन, अभी हमने रन करा लिया, उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस करने। अब मुझे किसका मल्टीप्लीकेशन चाहिए, मान लीजिए मुझे 2 का चाहिए, तो मैं इसको कर लेती हूँ ओके। तो ये देखिए इस तरह से लिख के आ रहा है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है कि इसमें br टैग नहीं है, तो हम br टैग लगा लेते हैं। तो बी आर टैग यहाँ पे आएगा आपका डबल कोट्स के अंदर बी आर, इसको डबल कोट के अंदर कर लेती हूँ मैं, और यहाँ पे भी आपका आएगा प्लस, को भी कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा। देखो अब सिंपल सा है, नम जो आपका वैल्यू आ रही है, जो हम इनपुट डालेंगे यूजर, ठीक है? यहाँ पे आपका वैल्यू 1 2 3 4 आ जाएगा, जैसे जैसे आपका आई इंक्रीमेंट होगा, और यहाँ पे नम इंटू आई हो जाएगा। अब हम लोग इसको रन कराते हैं फिर से। अब आपको किसका मल्टीप्लीकेशन चाहिए, बात इसमें देखिए यूजर के थ्रू इनपुट हो रहा है, तो हम किसी का भी मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिख के देख सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे 5 का मल्टीप्लीकेशन हो जाए, मैं ओके कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे 5 का मल्टीप्लीकेशन आ गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अभी आप मान लीजिए यहाँ पे 12 का आपको चाहिए, तो 12 का भी आ जाएगा, देखिए 12 का भी आ गया। और किसी का चाहिए तो आपको मान लीजिए 100 का कर लेते हैं,
ये देखिए यहाँ पे 100 का भी मल्टीप्लीकेशन आ गया। तो ये है आपका छोटा सा लॉजिक, प्रैक्टिस टाइम समझ लीजिए। ऐसे ऐसे प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो लेकर आई थी। नेक्स्ट में आप ट्राई करिएगा खुद से, आपके लिए होमवर्क है। इवन का नंबर होता है 2, 6, 8, ठीक है, 10, 12, 14 ऐसे करके। और जो आपका ऑड नंबर होता है वो होता है 1, 3, 7, ठीक है, 9, ऐसे अप टू 11 और आगे आगे, ठीक है, अप टू इनफिनाइट। तो इसको आप फॉर लूप यूज करके आप इवन नंबर को प्रिंट कराएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंट है, आपको क्या करना है, बस इवन, और वहां पे आपको इवन नंबर प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफ कंडीशन यूज करना पड़ेगा। क्योंकि इफ कंडीशन नहीं यूज करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, इवन नंबर। लेकिन फॉर लूप भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो आपको मैंने हिंट दे दिया, अब आप इवन नंबर प्रिंट कराएंगे, ठीक है। नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कैसे इवन नंबर प्रिंट कराना है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।